नमस्कार दोस्तों, अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज चैनल में आप सभी का स्वागत है। अल्टीमेट हेल्थ एंड होम रेमेडीज आपकी सेहत का ख्याल बखूबी रखता है। चलिए हम लोग आप लोगों को ग्लूट्स को टोंट करना बताएंगे, और ग्लूट्स को अच्छा रखना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आजकल का ट्रेंड है ग्लूट्स। तो आप लोग जो है मॉर्निंग्स में एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज के जरिए अपने ग्लूट्स को टोंट बना सकते हैं, गुड लुकिंग बना सकते हैं। तो ग्लूट्स का टोंड होना आप लोगों के कर्वी फिगर को एक अच्छा लुक दे सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और आप लोगों को बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइज आप लोगों को करनी है। 8 मिनट ग्लूट एक्सरसाइज होंगी और सभी एक्सरसाइज जो हैं 40 सेकंड्स की रहेंगी, और ये 40 सेकंड्स की एक्सरसाइज आप लोगों को सुबह करनी है। पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं हम लोग, सूमो पुशअप स्क्वाट, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इसमें आप लोगों को खड़ा नहीं होना है, और 40 सेकंड की एक्सरसाइज रहेगी। पहली एक्सरसाइज है, इसमें आप लोगों को स्क्वाट पोजीशन लेनी है, लेकिन स्क्वाट पोजीशन में आप लोगों को डिप्स करने हैं अपने ग्लूट्स को नीचे की ओर, पुश करने हैं अपने ग्लूट्स को नीचे की ओर। और इसमें आप लोग, अगर वीडियो स्क्रीन पर सही दिखाई दे रहा आप लोगों को, तो ये देखिए कि एक पोजिशन है, दोनों पैरों के बीच में गैप है और दोनों हाथ जो हैं वो आपस में टाइप हैं, और नीचे जो है घुटनों से नीचे जस्ट प्रेस करना है और ऊपर उठना है, नीचे जस्ट प्रेस करना है और ऊपर उठना है। तो ये वर्कआउट आप लोग कर सकते हैं और 40 सेकंड के लिए करें, उसके बाद में आप लोग रेस्ट कर लीजिए क्योंकि आप लोगों की मसल्स को आराम देना ज़रूरी है। तो रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में दूसरी एक्सरसाइज पर हम लोग चलते हैं। दूसरी एक्सरसाइज है साइड लेग रेज लेफ्ट, यानी कि आप लोगों को जब आप लोग दोनों पैर जो हैं आपस में थोड़ा सा गैप रखें, और उसके बाद में आप लोगों को खड़े होकर ही जो है साइड लेग रेज करना है, आपस में उस साइड में लेफ्ट साइड में आप लोगों को उठाना है, ठीक है, और लेफ्ट पैर ही आप लोगों को उठाना है। जब आप लोग पैर उठाएं तो दोनों हाथों को आपस में टाई अप कर लीजिए, बांध लीजिए। तो इससे क्या होगा, ग्लूट्स की एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो जिन लोगों को, जिन महिलाओं को ग्लूट्स को अच्छा रखना है, टोंड बनाना है और सुंदर दिखना है, तो डेफिनेटली आप लोग इन एक्सरसाइज को ज़रूर अपनाएंगे। तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को हर एक स्पेसिफिक बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज बताता हूँ। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है 40 सेकंड के बाद, और उसके बाद में आप लोग के पास आ जाता है रेस्ट, ठीक है। ये रेस्ट कंप्लीट होने के बाद में तीसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं, स्टैंडिंग नी क्रंच। स्टैंडिंग नी क्रंच भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। तो ये आप लोगों को फ्लैट बैली भी देगा और आप लोगों के कार्डियो को भी मजबूत करेगा, आप लोगों के ग्लूट्स को भी टोंड बनाएगा। तो ये इसके डिफरेंट टाइप के बेनिफिट्स आप लोग कह सकते हैं, और आप लोग ये कह सकते हैं कि आप लोगों के जो लोअर बैली है उसको भी रिड्यूस करने में आप लोगों की हेल्प करेगा। तो 40 सेकंड तक आप लोगों को स्टैंडिंग क्रंच एक्सरसाइज करनी है, या आप लोग कहें कि बाइसिकल क्रंच खड़े होकर आप लोगों को करना है। तो ये 40 सेकंड आप लोगों के लिए कीमती हैं, जिससे आप लोगों की बैली भी रिड्यूस हो जाएगी और आप लोगों के ग्लूट्स भी टोंड हो जाएंगे, ठीक है। तो 40 सेकंड कंप्लीट हो गए, उसके बाद में आप लोग जो है रेस्ट कर लीजिए, आराम से बैठ जाइए, और जो आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर लाइट वेट ड्रिंक पीना है तो आप लोग जो है पानी वानी पी लीजिए, ठीक है। अब आप लोगों के 40 सेकंड के लिए नंबर फोर्थ एक्सरसाइज आ जाती है। नंबर फोर्थ एक्सरसाइज में आप लोगों के पास स्पाइडरमैन प्लांक है, और वो भी खड़े होकर आप लोगों को करना है स्पाइडरमैन प्लांक। इसमें क्या होता है, दोनों हाथ जो है आप लोगों के गर्दन के पीछे रहते हैं और अपनी कोहनी को अपने घुटने से आप लोगों को टच करना है। तो इसमें बस इतना सा करना है कि जब घुटना आप लोग उठाएं तो आप लोगों की जो कोहनी है, जो सेम साइड की कोहनी और सेम साइड का जो घुटना है, वो आपस में एक दूसरे के टच करना चाहिए, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की साइड बैली जो होती है वो रिड्यूस होगी, साथ में आप लोगों के ग्लूट्स भी आप लोगों के टोंड होंगे। तो आप लोगों का जो फिगर है वो कर्वी फिगर आप लोग बना सकते हैं इस एक्सरसाइज से, फिश शेप आप लोग अपने फिगर को दे सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों के पास नंबर फोर्थ एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है और आप लोगों के पास 10 सेकंड का रेस्ट आ जाता है, ठीक है। 10 सेकंड कंप्लीट हो गए, अब हम लोग करते हैं स्क्वाट विद क्रंच, ठीक है, या हम स्क्वाट विद बाइसिकल क्रंच हम लोग कर लेते हैं 40 सेकंड्स के लिए। तो इससे क्या होगा, ग्लूट्स जो हैं वो एक अलग शेप में आप लोगों के पास जो है मिल सकते हैं, ठीक है, और साथ में आप लोगों की बैली भी रिड्यूस होगी। तो फ्लैट बैली एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी इस एक्सरसाइज से, और आप लोगों के ग्लूट भी टोंड हो जाएंगे। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग करें, फिफ्थ नंबर की एक्सरसाइज है, 40 सेकंड के लिए आप लोगों को करना है। तो मैं जितने भी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बताता हूँ वो सारे सभी के बेनिफिट्स आप लोगों को बताता हूँ साथ में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब तो आप लोगों को करना अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर किया।
उसके बाद में ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाती है, नंबर 5th एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और आप लोगों के पास आ जाता है रेस्ट। तो आराम से आप लोग जो है रेस्ट कर लीजिए और उसके बाद में हम लोग चलते हैं नंबर 6th एक्सरसाइज की ओर। और ये भी 40 सेकंड की एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में आप लोगों को स्क्वाट विद जंप्स करने हैं, स्क्वाट डिप्स विद जंप्स हम लोग इसको नाम देंगे, स्क्वाट डिप्स विद जंप, ठीक है। नंबर 30 एक्सरसाइज है स्क्वाट विद जंप्स। इसमें क्या करना है आप लोगों को, स्क्वाट करना है फिर डिप्स करना है नीचे की ओर जैसा कि फर्स्ट एक्सरसाइज में किया था, और उसके बाद में आप लोगों को जंप करना है। तो इससे आप लोगों का कार्डियो भी मजबूत होगा, साथ में आप लोगों का टोटल बॉडी फैट भी रिड्यूस हो जाएगा, टारगेट मसल्स आप लोगों की ग्लूट्स रहेंगी, ग्लूट्स आप लोगों के टोन बनेंगे और थाइज मसल्स भी आप लोगों की मजबूत होगी। तो अगर थाइज मसल्स टोन होती है, मजबूत बनती हैं, स्टेमिना आप लोगों के अंदर आता है, तो इससे अच्छी एक्सरसाइज क्या हो सकती है। तो नंबर 6 जो 6th एक्सरसाइज थी वो कंप्लीट हो गई थी, इंजॉय कर लीजिए और रेस्टिंग टाइम कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 7th नंबर एक्सरसाइज पर चलते हैं, सिंगल नी रेज क्रंच। इसमें आप लोगों को करना है सिंगल नी रेज क्रंच विद टैप्स, आप लोग मान सकते हैं इस एक्सरसाइज को। इसमें आप लोगों को क्या करना है, जस्ट आप लोगों को आगे 2 कदम बढ़ाने हैं और 1 नी को आप लोगों को रेज करना है, ठीक है। देखिए अब पीछे की ओर लेकर आना है दोनों स्टेप्स को और फिर नी को ऊपर की ओर ले जाते हुए टैप करना है, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोग 40 सेकंड के लिए करें। इसकी एक्सरसाइज करने से आप लोगों के कार्डियो मजबूत होगा, आप लोगों को एंड्योरेंस भी इंक्रीज होगा और साथ ही आप लोगों की जो मसल्स हैं वो लीन होंगी, तो आप लोगों की ग्लूट्स भी इससे अच्छे बनेंगे। तो ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होती है, 7th नंबर एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। इंजॉय कीजिए, आराम कीजिए क्योंकि थक चुके होंगे आप लोग 40-40 सेकंड की एक्सरसाइज करके। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज आप लोग लेट कर कीजिए। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है, एक घुटना मोड़ते हुए दूसरे पैर की थाइस पर आप लोग रख लीजिए या घुटने पर रख लीजिए। तो इसे हम लोग बोलेंगे सिंगल लेग ब्रिज एक्सरसाइज, ठीक है। तो सिंगल लेग ब्रिज एक्सरसाइज कितनी आप लोगों को करनी है, 40 सेकंड्स के लिए आप लोगों को करनी है। नंबर 8वीं 8वीं एक्सरसाइज है और इससे आप लोगों के ग्लूट्स बहुत अच्छे बनेंगे, पैल्विक पोर्शन पर ब्लड फ्लो बहुत अच्छा होगा, और आप लोगों के ब्लड फ्लो अगर अच्छा होगा तो इसे हम लोग केजल एक्सरसाइज में काउंट कर सकते हैं। तो ये केजल एक्सरसाइज का टाइप है, इसे आप लोग अपनाइए और अपने जो ग्लूट्स हैं उसे टोन बनाने में आप लोगों को हेल्प मिलेगी। तो ये एक्सरसाइज भी 8वीं एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। रेस्टिंग टाइम चल चुका है, रेस्ट कर लीजिए और मसल्स को आराम दीजिए। मसल्स को मजबूती देने के लिए आराम जरूरी होता है जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया। अब हम लोग चाहते हैं साइड लेग रेज विद राइट साइड वाला। तो साइड लेग रेज कैसे करना आप लोगों को, आप लोग देख चुके हैं लेफ्ट एक्सरसाइज में आप लोग कर चुके हैं। अब राइट वाला पैर जो है आप लोगों को उठाना है और दोनों हाथों को सेम पोजिशन में आप लोगों को बांधना है। ये भी आप लोगों को 40 सेकंड के लिए करना है। तो अगर आप लोग जब साइड लेग रेज करते हैं तो आप लोग ये देखते हैं कि आप लोगों के जो ग्लूट्स हैं वो अंदर की ओर स्क्वीज होते हैं, तो जो बाहरी फैट होता है ग्लूट्स के ऊपर का वो खत्म हो जाता है, विसरल फैट या सबकंटेनियस फैट जिसको हम लोग बोलते हैं बेकार वाला फैट, वो खत्म हो जाता है, मसल्स लीन हो जाते हैं, मसल्स मजबूत हो जाते हैं और ग्लूट्स जो है वो टोंड हो जाते हैं। तो ये एक्सरसाइज भी आप लोगों की कंप्लीट होती है। उसके बाद में हम लोग चलते हैं 10वीं एक्सरसाइज के ऊपर, और उससे पहले थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए 10 मिनट का, वो कंप्लीट होने के बाद में 10वीं एक्सरसाइज पर हम लोग फोकस करते हैं। 10वीं एक्सरसाइज भी 40 सेकंड की है, लेकिन इसमें क्या है आप लोगों का स्क्वाट है, लंजेज है और बैक किक है। तो आप लोग इसमें देखिए कि पहले स्क्वाट किया, फिर लंजेस किया, फिर बैक किक किया, फिर स्क्वाट किया, फिर बैक किक किया, बैक किक करते हुए आप लोग लंजेस करें, फिर बैक किक लगाएं, स्क्वाट करते हुए बैक किक लगाएं, लंजेस करते हुए बैक किक लगाएं। ये एक्सरसाइज आप लोग कंप्लीट कीजिए 40 सेकंड्स के लिए, और इसमें आप लोगों को बेनिफिट मिलेगा ग्लूट्स के लिए, आप लोगों की थाइस मसल्स के लिए, जो टारगेट मसल्स होंगी वो 40 सेकंड में आप लोगों की लीन हो जाएंगी। तो जो आप लोगों की बूटी है वो बहुत अच्छी बन सकती है, आप लोगों के बूटी वर्कआउट जो है इसमें काउंट हो जाता है पूरा का पूरा। और आप लोग सुबह उठकर अगर इसको करेंगे तो आप लोग एक परफेक्ट बॉडी जो है बना सकते हैं। तो 10 सेकंड का रेस्ट कंप्लीट हो जाता है, लंजेस कर लेते हैं लेटरल लंजेस 40 सेकंड के लिए। तो लेटरल लंजेस करते रहिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक अकाउंट पर, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां आप लोग शेयर करना चाहते हैं।
साथ ही अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों की फ़िटनेस के लिए हम लोग ऐसे ही वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाते रहेंगे। और इन्जॉय कीजिए, सुबह उठकर एक्सरसाइज ज़रूर कीजिए, क्योंकि हेल्दी रहना आप लोगों की ज़िम्मेदारी है। जो लोग अपने बारे में नहीं सोचते हैं वो क्या करेंगे कुछ, कितना भी कुछ करके, लेकिन अपने बारे में सोचिए, हेल्दी रहिए, क्योंकि हेल्दी रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और फिट रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। धन्यवाद।